ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी में दर्द का, परेशानियों का, दुख का रिश्ता आपसे बहुत गहरा है? क्या सारी दुनिया आपके पीछे पड़ गई है? और शुरुआत आपके अपने अपनों ने ही की है, आपके अपने पार्टनर ने की है आपके साथ गलत करके। तो अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं जहाँ पर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। सो तीन डेक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस डेक से हम लेंगे डिवाइन के मैसेजेस, डिवाइन के इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए, गाइडेंस उनकी आपके लिए। इस डेक से चेक करेंगे हम आपकी एनर्जीज, और इस डेक से हम चेक करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या आ रही हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके चलिए, हमने ये शफलिंग कर ली है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिएगा, बट डिवाइन का ये कार्ड्स, ये मैसेजेस हम लास्ट में ही ओपन करेंगे। ओके सो चलिए स्प्रेड ले लेते हैं पहले और देखेंगे ये मास्टर कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके सो चलिए अब हम लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या आ रही है व्यूअर्स की एनर्जी, क्या चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। सो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है सो क्लेम ज़रूर करना है। 111 बजरंग बली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। एंड जो कार्ड आप क्लेम करना चाहते हैं उसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके चलिए आपकी एनर्जीज पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है द मजिशियन का कार्ड। ओके सो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज पहले आ गई हैं। नेक्स्ट मून का कार्ड और यहाँ आया है टावर का कार्ड। ओके फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। प्रोमिनेंटली देखिए यहाँ निकल के आई है पाइसेस मीन राशि। एम्प्रेस आ गया है। ओके द सन का कार्ड आया है, हैंगमैन। सो मेजर के कार्ड्स ओपन हो रहे हैं, मेजर के कार्ड्स, बहुत बड़े इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपने फेस की हैं। चलिए नेक्स्ट, ओके वाओ द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। सो ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज निकल करके, ठीक है। यहाँ हम आपके पार्टनर की एनर्जीज में निकाल लेते हैं और फिर रीड करना स्टार्ट करेंगे। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या आ रही है, थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए क्या है उधर। फर्स्ट आया है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक राशि। डेथ आ गया है यहाँ पर। सो प्रोमिनेंटली निकल के आई है यहाँ पे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। एट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो कर्क मीन वृश्चिक राशि। ओके जजमेंट का कार्ड आ गया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फाइन सो चलिए भाई जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी को कोई नज़र लगा रहा है, अगर आपकी खुशियों पे किसी ने नज़र रखी हुई है, आपकी खुशियाँ किसी से बर्दाश्त ही नहीं हो रही है ना, सो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं जो आपके ऊपर कुछ ना कुछ या तो ब्लैक मैजिक करवाते रहते हैं या आपकी खुशियों को नज़र लगाते रहते हैं या फिर आपके पार्टनर को भड़काते रहते हैं जिससे कि आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हो जाएं, आपसे दूर हो जाएं, खुशियाँ आपसे छिन जाएं, तो मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्योंकि यहाँ जो भी लोग आपके पास है ना नेगेटिविटी दे रहे हैं, ठीक है, आपको सब समझ में आता है कि ये कौन लोग हैं, ठीक है, आपको पता है कहीं ना कहीं ये कौन लोग हैं,
जो आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, राइट? हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली हो सकता है आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में ज़रूर हैं, जिसकी वो सुनते हैं और आपकी सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। सो आपको ऐसा फील होता है कि कई बार हैवीनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप करना चाह रहे हो कुछ लेकिन नहीं कर पा रहे हो, खुशियाँ जैसे बंद सी गई हैं, किसी ने कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक, काला जादू, कोई स्पेल या कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर करवा दी है ना, कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है ना? इमोशंस जितने ज़्यादा आपके स्ट्रांग पहले थे ना, अभी नहीं है। और वो नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, वो चाहते हैं कि आपकी जो एक फाउंडेशन है ना आपके रिश्तों की, वो हिल जाए, ठीक है? और जैसे ही वो फाउंडेशन हिल जाएगी, ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप टूट के बिखर जाएगा। सो इनकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है ना, उसको सोच करके इस वीडियो को देखिएगा। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि उनकी इंटेंशंस आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आपको आपको एक स्टेबल रिश्तों में नहीं देखना चाहते हैं, है ना? और उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ में आपका फॉल्ट है। आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में आके आपका ही फॉल्ट बताया होगा कि तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे तुम वैसे, और तुमको कुछ नहीं समझ में आता, तुमको कुछ नहीं पता, तुमसे बेटर वो है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर ने आपसे बोली है, ठीक है? और आपका घर, आपका रिश्ता कहीं ना कहीं तोड़ने में थर्ड पार्टी सिचुएशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेंशन कीजिएगा कि आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन है, ठीक है? सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन देखिए ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको कोई अकेला छोड़ना चाहते हैं, ठीक है? आपको वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में ग्रोथ करो, आप सक्सेस हो जाओ, या अगर आप सक्सेसफुल हो ना तो आप पे नज़र लगाने की कोशिश करते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो, या आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे हो सकती हैं, आप अपनी लाइफ में खुश कैसे हो सकते हो, आपकी फैमिली इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, ठीक है? सामने वाला थर्ड पार्टी सिचुएशन अपनी फैमिली तो मेंटेन कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, ठीक है? उसकी अपनी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद है, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने में एक्सपर्ट है सामने वाले सिचुएशन, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन। कमाल की बात यह है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उसके कहने पर ही एक्शन लेते हैं। दिमाग वाला इंसान कौन होता है ना, जो सुने सबकी करे अपनी, लेकिन आपका पर्सन यहाँ पे कैसा है कि सुनना भी दूसरों की और करने भी दूसरों के हिसाब से। भाई अपनी अक्ल नहीं लगानी है। आप नहीं जानते हैं कि आपका पार्टनर कैसा है, आप नहीं जानते हैं कि आपके पार्टनर किस तरीके से आपके साथ देता है, किस तरीके से आपकी केयर करता है। आपने बहुत केयर की है इस इंसान की, इस रिलेशनशिप की। आपने डिवोशन के साथ, जैसे कहते हैं ना पूजा करना, और किसी को बहुत मानना दिल से, हमेशा उसके लिए सब कुछ करना, जो जितना बेस्ट कर सकते हो वो करना, वो आपने किया है, ठीक है? आप में से कई लोग मुझे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आप दिल के बहुत साफ हैं, बहुत इनोसेंट हैं। आप में से कई लोग सक्सेसफुल हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके काम में ना अड़चन डाल देते हैं, इनको आपकी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती है ना? और आपके पार्टनर ने ऑल ऑफ अ सडन आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, आपकी केयर करनी बंद कर दी है इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। और आप ना देखो, शुरू शुरू में आप बहुत ज्यादा परेशान रहे, आपको ऐसा लगा कि आपकी जिंदगी स्टक हो गई है, परेशानियों से भर गई है, दुखों से भर गई है, लेकिन आप इतने डिवाइन सोल हो ना कि डिवाइन से कनेक्शन आपने कहीं ना कहीं छोड़ा ही नहीं है, ठीक है? आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हर तरीके के सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी झेली है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना जो भरोसा है, जो अपना ट्रस्ट है, वो कहीं ना कहीं अपने भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर लगाए रखे हुए हो, और उसी ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही थी, अगर शायद आप इतने डिवाइन सोल नहीं होते, शायद आप अंडर इतना प्रोटेक्शन नहीं होते, तो आप कहीं ना कहीं वहीं आप चीज़ों को लेकर के ख़त्म हो जाते। लेकिन क्योंकि आप भरोसा रखते हो, ट्रस्ट करते हो, तो उसने ही आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और ये विश्वास रखें कि आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस बहुत जल्द आएगी।
थोड़ा पेशेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों ही कार्ड आपके लाइफ में सक्सेस को दिखा रहे हैं। सो बहुत जल्द आपकी ये दुखों का अंत होने वाला है और आपकी लाइफ में खुशियों की शुरुआत होने वाली है। सिर्फ पेशेंस बना के रखें। पेशेंस कैसे बनाना है, देखिए वक्त को भी ना वक्त देना पड़ता है। इस चीज़ को आप समझें कि किसी भी चीज़ को लेकर के हाय नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। पेशेंस रखें, बिलीफ रखें, ट्रस्ट रखें अपने भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, जो उन्होंने बोया है वो ज़रूर काटेंगे। जिस तकलीफ़ से आप गुजर रहे हो उसे कई गुना तकलीफ़ से वो ही गुजरेंगे। जितना टॉक्सिक आपका रिलेशन आपकी जिंदगी बना दी है उससे कई गुना टॉक्सिक मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। सो डरने की, घबराने की, कंफ्यूज होने की, इल्यूजन्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इल्यूजन से बाहर आ जाइए। लाइफ में प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और मून का कार्ड यही बता रहा है कि आपको इमोशनल भी नहीं होना है और आपको प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। सो आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस कहीं ना कहीं बना के रखना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ इमोशंस में बैठे रहेंगे तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ट्रबल्स में आ जाएगी, परेशानी में आ जाएगी। देखते हैं अब इन दोनों के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। सी देखिए, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना बहुत स्टार्टिंग में मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को काबू में करके रखा, एक्स्ट्रा केयर दिखाने की कोशिश की, प्यार दिखाने की कोशिश की, अपना साथ दिखाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती झूठा एक कहते हैं ना रिश्ता दिखाने की कोशिश की। और उसी झूठे रिश्ते का देखिए बहुत लंबा झूठ नहीं चलता है, झूठ कहीं ना कहीं एंड होता ही है, पकड़ में आता ही है। सो यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि इसकी झूठ के लिए ना, ये अपना झूठ साबित करने के लिए, अपने को सच्चा साबित करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है ये थर्ड पार्टी, कि मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, या मैंने जो किया वो तुम्हारे भले के लिए किया। इस तरह की चीज़ें ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बोलने की, समझाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपना बैलेंस खो रहे हैं, ठीक है। वो कुछ एक्शन प्लान करते हुए दिख रहे हैं और कुछ ना कुछ उनको समझ में ज़रूर आ रहा है। सो इनकी लाइफ में अगर ये पहले आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आपका भरोसा तोड़ दिया, सो अब धीरे धीरे ये कार्ड यही बता रहे हैं कि इनके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपका सच और थर्ड पार्टी का झूठ इनको समझ में आएगा, बहुत जल्द आएगा। कहीं ना कहीं आपने जो इनके लिए किया और जो इसने नहीं किया, जो ये सोच के गए थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आएगी, आपकी वैल्यू समझ में आएगी। देखिए आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को टाइम दिया, आप बहुत इसके पीछे भागे, आप आज भी इस रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं तो रीयूनियन लिखिएगा। लेकिन आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कर्मा ज़रूर लिखिएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आपने इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दिया। आप हमेशा अवेलेबल रहे हो इसके लिए, आप बहुत क्यूरियस रहे हो इसके लिए, सो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इस पर्सन ने नहीं की है, ओके। सो आपने, आपको ये वैल्यू, इतनी इंपॉर्टेंस देना, इसको इतना ध्यान देना, इसी तरफ इतना अटेंशन देना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो आपको भी इनको फॉर ग्रांटेड लेना पड़ेगा। अगर ये अपनी लाइफ में खुशियां ढूंढ रहे हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में खुशियां ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस इनकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस तभी आएंगे और बहुत जल्द आएंगे जब आप इनके पीछे भागना बंद कर देंगे, आप अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर देंगे। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आपको स्टॉक भी करते हैं, ये आपको पूरा टाइम नोटिस भी करते हैं, आपकी जानकारी निकालने की कोशिश करते रहते हैं, राइट। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। सो इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। सो बहुत जल्द, एक्सक्यूज मी, सो बहुत जल्द ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ से निकालने वाले हैं, ये तो डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत जल्द ये डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है, ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरीके की स्पेल या कुछ गलत चीज़ें ज़रूर की हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ और वेल्थ में बहुत ज़्यादा गिरावट आती चली जा रही है। आपने तो इनकी ग्रोथ के लिए काम किया, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है इनको और डिग्रेड करती जा रही है, इनको और डाउन करती जा रही है दिन पे दिन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनका हेल्थ और वेल्थ में इश्यूज आने लगे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये एहसास होने लगा है कि जब से ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हैं तब से इनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, जैसे कि ग्रहण लग चुका है इनकी लाइफ पर, इनकी खुशियों पर, है ना, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं।
सो बहुत जल्द जजमेंट का कार्ड यही आ रहा है कि बहुत जल्द डिवाइन इनको इनका कर्मा दे रहे हैं और ये माफी मांगेंगे अपने किए की, रिकवरी करना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप्स की। तो कहीं ना कहीं आपके पास लौट करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये अगेन आपको डिसाइड करना है कि आप इनको अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो चाहते हैं तो रियूनियन लिखेगा, नहीं चाहते हैं तो मूव ऑन एंड न्यू पार्टनर लिखेगा। बट ये ज़रूर है कि ये अपने किए की माफ़ी डिवाइन से भी मांगेंगे, आपसे भी मांगेंगे। आपके पास आने की हिम्मत हो या ना हो, बट इतना कर्मा ये भुगत लेंगे कि कहीं ना कहीं ये घुटने पर आ जाएंगे और अपने किए की माफ़ी डिवाइन से ज़रूर मांगेंगे। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको और थर्ड पार्टी को इनके किए का कर्मा बहुत जल्द मिलने वाला है और डिवाइन आपकी बहुत जल्द सुनने वाले हैं। सो यहाँ पर ले लेते हैं अब डिवाइन के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। सरेंडर, सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। आप सरेंडर करके तो देखें, वो हमेशा आपके पीछे खड़े हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। कुछ सिखाने के लिए कुछ परेशानी आई है और जैसे ही चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, वेट करें, पेशेंस रखें, सरेंडर कर दें खुद को, भूल जाइए सब कुछ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है या हुआ है। और जब आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो वो सब कुछ ठीक करते चले जाते हैं। पेशेंस बना के रखें, पेशेंस बना के रखें, आपकी लाइफ में खुशियों के द्वार, खुशियों के दरवाजे बहुत जल्द खुलेंगे। और ये जो नकारात्मक लोग हैं, ये जो गंदी सोच वाले लोग हैं, ये आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद चले जाएंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ज़रा खुद को देखो आईने में, क्या हाल बना रखा है आपने खुद का, किस हाल में आ चुके हो आप, है ना। खुद को देखें, पहचाने खुद को, खुद से प्यार करें। आप अपने से प्यार करना भूल चुके हैं और आप सारा टाइम इसके ऊपर दे रहे हैं। सी, सेल्फ लव का कार्ड आया है। सो खुद के लिए टाइम निकालें, खुद से प्यार करना सीखें, खुद को भी टाइम दो। सब कुछ छोड़ करके इसके पीछे भागना, पागलों की तरह, इसके पीछे दीवानों की तरह भागना, अपना सब काम धंधा छोड़ के इसके लिए ही सोचना बंद कर दीजिए। सारे टाइम अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए, पूरा टाइम मोबाइल चेक करना, इसको मैसेज करना, इसको फोन करना बंद कर दीजिए, उसको अपनी प्रायोरिटी बनाना बंद कर दीजिए, खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, खुद के करियर को, खुद के फ्यूचर को, खुद की फैमिली, खुद की खुशियों को प्रायोरिटीज बनाइए। ये खुद झक मार के आपके पीछे पीछे आएगा। मजबूर कर दो इसको कि ये अपनी सिचुएशन से निकले और आपकी कमी इसको खले, आपकी कमी इसको पता चले कि आप नहीं हो इसकी लाइफ में, राइट। सो सेल्फ लव करें, अपने खुद के ऊपर फोकस करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सो यही डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। और ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, धन्यवाद कीजिएगा बजरंग बली का कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुँचाने में हेल्प की है। ओके, सो अगर आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून 2190, वहाँ जाके आप रीडिंग्स देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल को भी और फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को भी। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।